एवीवीपी की ओर से छात्राओं को शारीरिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन साहसी कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी के तहत छात्राओं ने कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के सामने ऐतिहासिक रिज मैदान में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। एवीवीपी ने 12 से 23 अक्टूबर तक 8200 छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। नशे से युवाओं को दूर रहने एवं शरीर को फिट रखने सहित छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए यह प्रशिक्षण दिया गया। 1300 छात्राओं ने एक साथ रिज मैदान पर मिशन साहस का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की सरहद में तिरंगे का साहस देखा है, सैनिक ढाल बनकर सरहदों में खड़े रहते हैं। ईवीपी ने साहस के जरिए जो छात्राओं को प्रशिक्षित किया वह सराहनीय है। महिला का संघर्ष माँ की कोख से ही शुरू हो जाता है, जो कि जिंदगी भर जारी रहता है। बेटी को कोख में न मारकर उसे साहस से बड़ा करें, क्योंकि शिव शक्ति से जीवन आगे चल सकता है। स्मृति ईरानी ने इस मिशन साहसी को हर घर तक पहुंचाने का आग्रह किया। ने लगभग 4 लाख से ज्यादा छात्राओं को मिशन साहसी के माध्यम से सेल्फ डिफेंस में प्रशिक्षित किया है। शायद एक स्टूडेंट बॉडी द्वारा पूरे राष्ट्र में ये एक ऐतिहासिक अभियान है, सबसे बड़ा अभियान है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। शिमला में रिज पर आज हमने देखा कैसे माँ भारती के परचम तले, तिरंगे के परचम तले 1300 बेटियों ने प्रशिक्षण जो प्राप्त की उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया। कार्यक्रम में एसपी कुलू शालिनी अग्निहोत्री जी और साथ ही सेवानिवृत्त मेजर छवि जी आज यहाँ पर विराजित थे। महिला को इस प्रकार से सर्विंग ऑफिसर और जो ऑफिसर अब सर्व नहीं कर रही हैं, हमारी लड़कियों के सामने जब उपस्थित हुई तो निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत बनी है। मैंने विद्यार्थी परिषद से ये भी आज निवेदन किया कि मिशन साहसी में जुड़ी हुई लड़कियां अगर किसी एक और लड़की को ये प्रशिक्षण दे तो ये कार्य घर घर परिवार परिवार पहुंचेगा। एसपी कुलू से मैंने विशेष निवेदन किया कि पूरी प्रक्रिया FIR दर्ज करने से लेकर कोर्ट तक किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी भी हमारी बेटियों को दी जाए और टेक्नोलॉजी का कैसे क्या इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि पुलिस प्रशासन तक पहुंचा जा सके, इसकी भी जानकारी न सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बल्कि स्कूल्स में भी उपलब्ध कराए अगर विद्यार्थी परिषद, और मैं खुश हूं कि विद्यार्थी परिषद ने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। पोलस्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।